लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। किरण सिंह की, महाराज हमीर सिंह की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग, हमें एकांत चाहिए। संग्राम सिंह जी महाराज, तुम लोग जाओ। संग्राम सिंह, जानते हो ये कौन है? युवराज किरण सिंह। नहीं, ये हमारा दूसरा बेटा है। नहीं? हम चाहते हैं कि इसे तुम ले जाओ। यहां से बहुत दूर हमारी देवपुर जागीर है, वहां जाकर रहो। हम तुम्हें वहां का जागीरदार बनाते हैं। तुम्हारे बाद हमारा ये दूसरा बेटा वहां का जागीरदार बनेगा। मैं समझा नहीं महाराज, आप भगवान की इस दूसरी देन को मुझे क्यों सौंपना चाहते हैं? आने वाले समय की कल्पना करो संग्राम सिंह, जब हम नहीं होंगे, दो राजकुमार होंगे, दोनों जवान, दोनों बहादुर, दोनों की एक ही उम्र होगी और शायद दोनों की शक्लो सूरत भी एक ही होगी। क्या ये दोनों राजकुमार उस वक्त महाराज बनने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हो जाएंगे? मुमकिन है महाराज। संग्राम सिंह, हम अपने जिगर के टुकड़े को आज तुम्हारे हवाले करते हैं। महाराज, आपकी आज्ञा, भगवान की आज्ञा। जो ही तुम हमारे इस बच्चे को लेकर चले हो, बादल गरजे, इसलिए हम इस बच्चे का नाम बादल रखते हैं। विश्वास रखिए महाराज, बड़ा होकर जब ये बादल गरजेगा
तो डर के मारे जंगल के शेर अपनी मानों में सर को छुपा लेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, बादल को हमेशा किरण से दूर रखना। जो हुक्म महाराज। युवराज के जन्म की खबर सुनते ही देवपुर से निकल पड़ा। इतनी खुशी हुई है। हमारे छोटे भाई को खुशी नहीं होगी तो और किसको होगी? चाचा बन गए हो ना? जी हाँ महाराज, इस खुशी के मौके पर आपके छोटे भाई को कुछ इनाम मिलना चाहिए। सुना है आपने मेरी देवपुर वाली जागीर मुझसे छीन कर डाकू के हवाले कर दी है। संग्राम सिंह डाकू नहीं है, उसके बाप दादा जरूर डाकू थे क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी की गई थी। जी हमने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया है। हमने तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचा है। आज से तुम यहां रहोगे हमारे साथ। जो आ गया भगवान शंकर के त्रिशूल का यह निशान जो कि अजीतगढ़ के राज परिवार का शाही निशान है, आज मैं तुम्हारे शरीर पर लगाता हूं ताकि अगर जरूरत पड़े तो इस निशान को देखकर यह साबित किया जा सके कि तुम्हारी रगों में अजीतगढ़ के शाही घराने का खून है। ओम नमः शिवाय। मान सिंह अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जब तक युवराज बड़ा होकर राज सिंहासन पर न बैठ जाए अब तक सारा राज काज तुम ही संभाल। महाराज आप बेफिक्र रहें, युवराज को मैं हमेशा अपने बच्चे के समान समझूंगा। माँ, बादल गरज रहा है, मुझे बादल से डर लगता है। माँ किरण को दूर रखो बादल से, किरण को दूर रखो बादल से, खिड़कियां बंद कर दो, बादल कहीं किरण को छुपा न ले। बादल बादल पिताजी। क्या हुआ? बिजली की। कहाँ? अजीतगढ़ की ओर। अजीतगढ़? भगवान न करे। क्यों आया जरूर कुछ? राजमोहर। राजमोहर? हाँ, अब अपने हाथों से इस पर राजमोहर लगा दो। घबराने की कोई बात नहीं, कुछ जा नहीं रहा है, कुछ आ ही रहा है वापस। देवपुर की जागीर, देवपुर का किला। वापिस आ रहा है तो आने दो। ओ हाँ। ये राज आज्ञा है, देवपुर की जागीर हमसे वापिस ले ली गई। ये सरासर जुल्म है, ये राज आज्ञा नहीं मान सिंह की आज्ञा है। हम मान सिंह की मनमानी की आज्ञा अपना सर नहीं झुकाएंगे। इस पर अजीतगढ़ की राजमोहर लगी हुई है, इसको मानना हम सबका फर्ज है। लेकिन आपको ये जागीर स्वर्गीय महाराज हमीर सिंह की तरफ से मिली है। देवपुर हमारा घर है। हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे पिताजी? दुनिया बहुत बड़ी है बेटा। हम कदम हम सफर हम नशीं हम जुबान, मस्त अपने हाल में जिंदा दिलों का कारवां, मस्त अपने हाल में जिंदा दिलों का कारवां। हम कदम हम सफर हम नशीं हम जुबान, मस्त अपने हाल में जिंदा दिलों का कारवां, मस्त अपने हाल में जिंदा दिलों का कारवां। हम कदम हम सफर हम नशीं हम जुबान।
हो मकाम हो है सफर में जिंदगी, खोज हो नहीं नहीं है ये अपनी बंदगी। अपनी धुन में हम मगन चल पड़े तो चल पड़े, खुद ही रास्ते बने जिस तरफ निकल पड़े। पड़े हम कदम हम सफर हम नशी हम सुबह, मस्त अपने हाल में जिंदा दिलों का कारवां, मस्त अपने हाल में जिंदा दिलों का कारवां। हम कदम हम सफर हम नशी हम सुबह। सूरतों में नरमियाँ खून में है गर्मियाँ, हम नवा है आंधियाँ हम सफर है बिजलियाँ। हौसले बुलंद हैं हिम्मतें जवान हैं, सरफरोशियों की हम जिंदा दास्तान हैं। दुश्मनों से कहो दूर हमसे रहो, आग है तूफान है। हम कदम हम सफर हम नशी हम सुबह, मस्त अपने हाल में जिंदा दिलों का कारवां, मस्त अपने हाल में जिंदा दिलों का कारवां। हम कदम हम सफर हम नशी हम सुबह। ना कोई धोखा ना कोई गम, कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम। ए माची, ये क्या हुलिया बना रखा है? देख भाई, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा था मच्छिंद्रनाथ, मगर तुम लोगों ने काट पीट कर माची कर दिया। अब मैं फिर से मच्छिंद्रनाथ हो गया हूँ। अलग निरंजन। क्यों, किस लिए? अरे भाई, सरदार का हुक्म है कि मैं भेज बदल कर अजीतगढ़ जाऊं और वहां ये मालूम करूं कि युवराज किरण सिंह महाराज कब बनने वाले हैं। क्यों, इससे क्या होगा? मुमकिन है देवपुर की जागीर हमें वापस मिल जाए। वो हमें वापस नहीं मिलेगी पिताजी। तो फिर मजबूरन हमें कहीं और चल के रहना पड़ेगा। क्यों, किस लिए? ये तुम अभी नहीं समझोगे। Fish me a
ना बहुत जल्द युवराज किरण सिंह यहाँ का महाराज होने वाला है और महारानी कौन बनने वाली है? तिरुचपुर की राजकुमारी पद्मा। पद्मा? हाँ, सुना है वो यहाँ आ रही है और राजतिलक के बाद उनसे आपकी शादी होने वाली है। गलत, बिल्कुल गलत। तो सही क्या है? सही हम, तुम और ये। पलट गया बाबा, कराओ आ जाओ, बैठ जाओ। वो इधर कर, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बाबा, मेरा नाम है वीर घटोत्कच उर्फ गट्टू। पट्टू? बट्टू नहीं बाबा, कट्टू। कट्टू इस कुटिया में काम करते हो? कुटिया बाबा, ये कुटिया नहीं, ये तो राजमहल है, राजमहल। अरे बैरागी बाबा के लिए कुटिया और राजमहल दोनों एक समान है। बूढ़े की सेवा करते हो? नहीं बाबा, मैं तो युवराज का सेवक हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, सबसे बड़ा सेवक हूँ। अरे बैरागी बाबा के लिए युवराज और घोड़े भी एक समान है। हाँ, अगर किसी महाराज की सेवा करते तो। बाबा लेकिन उनके महाराज बनने में देर ही क्या है, इसी पूर्णमासी के बाद बसंत पंचमी को उनका राज तिलक है। बसंत पंचमी? हाँ बाबा, राज तिलक। अगर बसंत पंचमी को उनका राज तिलक है तो हम सबका कल्याण है। हाँ बाबा, आपके मुंह में की शक्कर। निरंजन बाबा, आप जा रहे हैं बाबा? खैरो बाबा, जाने से पहले मेरा भविष्य तो देखते जाओ बाबा। हाँ बाबा। तो डाल इस झोली में हाथ और निकाल अपना भविष्य। मेरा भविष्य? बाबा, बाबा, चमचा। बेटा तू बड़ा भाग्यशाली है, चमचा। अरे बड़े बड़े लोगों की उम्र भर तक चमचागिरी करता रहेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जुल्म की रात अब खत्म होने वाली है, सिंहासन पर उसके असली अधिकारी का अधिकार होने वाला है। अब इन तलवारों को आराम की जरूरत है। राजमाता की जय हो। मानसी, आज कितनी खुशी का दिन है। हम तुम और वो, बस बस ये तीनों बने हैं। फिर स्वर्ग का राज भी हमारे हाथ से निकल गया ना, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। तू नहीं सुन। युवराज जरा संभल जाइए। मानसिंह जरा कदम डगमगा गए थे। अब इन कदमों को संभलना चाहिए बेटा। लो ये आरती। ठहरो, प्याला टूट गया उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें?
आरती की पड़ी है। जरा पहले प्याला भरने। नहीं बेटा, इसे पी पी कर तुम अपने होश हवास खो बैठे हो। इसे हमेशा के लिए छोड़ दो। घटू, ले जाओ इसे। जी राजमाता, मैं तो हुकुम का गुलाम हूँ। घटू, मैं तो हुकुम का गुलाम हूँ। युवराज, शराब तो खैर बुरी चीज है ही, लेकिन सबसे बुरी चीज है इसे पीकर अपने होश आवाज खो देना। और आप भी राजमाता, अपने बच्चे के जाती मामलात में इतना दखल ना दें कि उसे बर्दाश्त ना कर सके। युवराज, अब दूध पीता बच्चा नहीं है, भगवान की दया से जवान हो रहा है। इसीलिए कह रही हूं मानसिंह, इस पूर्णमासी को इसका राज तिलक होने वाला है और धीरजपुर की राजकुमारी आने वाली है। राजकुमारी? काफी है युवराज, तूने लेने नहीं जाएंगे? ये क्यों पूछते हो? जी बात यह है, युवराज यहाँ के होने वाले महाराज हैं, और अगर उनसे दुश्मनी मोल लेना पड़ेगी तो कीमत जरा। उनसे दुश्मनी मोल लेनी नहीं पड़ेगी, वो नहीं जाएंगे। तो फिर काफी, आप तो जानती हैं रत्ना जी, जैसा काम वैसा दाम। तो मैं बेफिक्र हो जाऊं? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आप लोग घबराइए नहीं। आप कौन हैं? हाँ हाँ, तुम कौन हो? हम लोग डाकू नहीं हैं। तो फिर कौन हो और क्या चाहते हो? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपनी रियासत को वापस लौट जाएं और अजीतगढ़ का रुख फिर कभी न करें। कोचवान, कोचवान, पर आया कोचवान को हुक्म देने वाला। आगे चलो। खामोश! अगर तुम लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमें जबरदस्ती राजकुमारी को उठाकर उनकी रियासत में वापस ले जाना पड़ेगा। अरे अरे, शर्म नहीं आती? दूर हो, दूर! और तो को धमकी देते हो, हैं? अरे कोई है, कोई है, बचाओ 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 बचाओ। अजी, वहाँ कुछ गड़बड़ मालूम होती है, गड़बड़ के साथ कुछ धर पकड़ भी मालूम होती है। चलो उस्ताद। वापस ला लो,
जीते रहो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना आते तो न जाने हमारा क्या होता। तो कौन हो तुम? जी बस यूं ही मुसाफिर हैं, यहाँ से गुजर रहे थे, आपकी चीखों पुकार सुनी और कूद पड़े मैदान में। सच कहता हूँ, अगर आज वो मैदान से नहीं भागते तो यही महाभारत हो जाता। हाँ हाँ, ये धीरजपुर की राजकुमारी पद्मा कुमारी है, अजीतगढ़ जा रही है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा अब इजाजत दीजिए, चलो माची। नहीं नहीं, हमारे साथ चलो ना, क्या जाने वो डाकू फिर रास्ते में मिल जाए। जी जी लेकिन। अरे लेकिन क्या उस्ताद, चलो ना। सोच क्या रहे हो बेटा, तुमने हमारे लिए जान जोखिम में डाली है, वहाँ युवराज से कहकर तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिलवाएंगे। जी शुक्रिया, मुझे ना आपके युवराज से मिलने का लालच है न इनाम का। आप लोग जाइए। अच्छी बात है, ना तो आप युवराज से मिलिए और ना ही इनाम लीजिए, और अगर डाकू हम पर फिर हमला कर दे तो हमारी हिफाजत भी मत कीजिए, लेकिन हमारे साथ तो चलिए। जी जी क्या उस्ताद, अब बोलो। आप क्या बोलो। अच्छा जी चल। युवराज जीती रहो बेटी। युवराज किरण सिंह के रायतिल के शुभ अवसर पर आप इतनी दूर से यहाँ आई हैं। अजीतगढ़ की तरफ से मान सिंह आपका स्वागत करता है। वो दिन भी अब दूर नहीं जब राज बहू के रूप में मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी। चलिए चलो बेटे। सुनिए आप तो मुझे इजाजत दीजिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कहाँ जाएंगे युवराज? युवराज ये युवराज है? तो क्या आपको इसने ये भी नहीं बताया कि ये युवराज है? नहीं तो देखिए देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं बड़ा शरारती है। चलिए 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 युवराज चलिए। राजकुमारी के साथ है? हम राजकुमारी के साथ नहीं है, हम हमारे जो बादल के साथ है। कौन बादल? यहाँ कोई बादल नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। अरे क्या बात है, बाहर निकलो, चलो सिपाही वाला। जा जा तेरे जैसे बहुत देखे बगैर टिकट के चले आते। जंगल का राम, रास्ते में आपको तकलीफ तो नहीं हुई? अब क्या बताऊं आपको, रास्ते में डाकू मिले थे, वो तो अच्छा हुआ मौके पर युवराज पहुंच गए थे। हाँ कितनी अच्छी जोड़ी दिखते हैं। अब आप थकी होगी, आराम कीजिए। जी राज माता। तो तुम्हारा नाम कट्टू है? जी नहीं, मेरा नाम तो वीर कटौतगज है, लेकिन मोहब्बत से राज माता कट्टू कहती है। आप मेरे साथ आइए, आइए आप आराम कीजिए, आइए आइए। ए भट्टू। अजीब बात है, ये लोग न जानो मुझे क्या समझ रहे हैं। देखिए अब बनना छोड़ दीजिए, बहुत हो चुका। पहले खुद ही अपने आदमी डाकू बनाकर वहाँ भेज दिए, और फिर खुद ही लिबास बदलकर मुझे बचाने के लिए वहाँ चले आए, ताकि अपनी बहादुरी का सिक्का मुझ पर जमा सके। क्यों लीजिए, अब आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। यकीन मानिए मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं तो वहाँ से गुजर रहा था। हा, 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 हा। चलिए आइए आइए। चलो हाँ हाँ कह दीजिए कि ये भी जानबूझ के नहीं किया। नहीं तो चलो बेटा।
आइए आइए आइए। बेटा तू अभी तक यहाँ? आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं तू पहले मुंह हाथ धो ले, कपड़े बदल ले, फिर बात करेंगे। हाँ जा जा। युवराज कहाँ जाने की सोच रहे हैं आप? अब मैं आपको क्या समझा? आप खामखा परेशान होते जा रहे हैं, रत्ना को मैं समझा दूंगा। रत्ना? रत्ना? हाँ? आप उसको समझा? आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आइए मेरे साथ चलिए। युवराज ताज्जुब है, लोग तो पीकर होश को बैठते हैं और आप हैं कि बिना पिए ही। सुनिए, होश में आने के लिए थोड़ी सी पी लीजिएगा। थोड़ी सी? मैं फिर अब समझा पिताजी मुझे राजमहल में आने से क्यों रोक रहे थे। सभी पागल हैं यहाँ पर, सब अपनी अपनी हाथ में हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं। बात है। अब समझा तो शायद ये है युवराज करण सिंह। अरे ये हमारे सामने शीशा किसने लाकर रख दिया है? जी मैं जो भी हूँ आपके सामने ही हूँ और उस मजाक को देख रहा हूँ तो बनाने वाले ने हम दोनों के साथ किया है। लेकिन तुम हो कौन? संग्राम सिंह का नाम सुना है आपने? कौन? डाकू संग्राम सिंह? जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा बादल हूँ। बादल? तो फिर तुम भी एक डाकू हो। संग्राम सिंह तो बाद में डाकू बना, लेकिन तुम जन्म के डाकू हो। नहीं सुनते? तुमने जन्म लेते ही सबसे पहला डाका हमारी सूरत पे डाला। क्या अब क्या इरादा है? इरादा कुछ भी तो नहीं। अरे ठहरो, तुम इसके पीछे छुप जाओ। जी छुप जाओ? क्यों? हमारे लिए हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, छुप जाओ पीछे। यहाँ? हाँ ठहरो। आप तो कहते थे कि आप
आपको राजकुमारी से कोई दिलचस्पी नहीं। हम बिल्कुल सच कह रहे थे, हमें वाकई कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर आप राजकुमारी को लेने क्यों गए? हम लेकर आए थे, हम अब याद आया भाई, हम ही तो लेकर आए थे उसे। कमाल है, अभी अभी उसे लेकर आया और अभी अभी भूल भी गए। जवाब नहीं आपका, आज आप उसे लेने चले गए, कल आप उसे शादी कर लेंगे, उसे महारानी बनाकर अपने साथ राज सिंहासन पर बिठा लेंगे और फिर कहेंगे कमाल है रत्ना, हम तो भूले गए। नहीं युवराज, मुझे आप पर भरोसा नहीं, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, एक पल के लिए भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। हमें मंजूर है, लेकिन यहाँ नहीं है, वहाँ हमारे शिकारगाह में, वहाँ सिर्फ हम तीनों होंगे, हम तुम और गट्टू। जी युवराज। युवराज, राजमाता आपको याद फरमा रहे हैं। उनसे कहो हम आते हैं। अच्छा हुजूर, लीजिए। ये क्या? शुद्ध गंगा जल। शुद्ध गंगा जल? जी हाँ, राजमाता की आज्ञा है कि मैं आपको अब शुद्ध गंगा जल पिलाया करूंगा। बेवकूफ, निकल जाओ यहाँ से। शुद्ध गंगा जल, देखो अब तुम शिकारगाह में जाकर हमारा इंतजार करो, अभी आते हैं। देर ना कीजिएगा। जी हाँ, सुन भी लिया और समझ भी लिया। अच्छा युवराज, अब मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत? नहीं नहीं नहीं, तुम बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगे हो। बैठो। देखो तुम एक काम करो, हम रत्ना के पास चले जाते, तुम हमारा लिबास बदल कर राजमाता के पास पहुंच जाओ। है? माफ कीजिए युवराज, मुझे तो इन भूल भुलियों से अब छुट्टी दीजिए। बस डर गए? अरे एक दिन युवराज बनकर भी तो देख लो। जी शुक्रिया युवराज, कुछ कुछ तो देख ही चुका हूं, अब ज्यादा देखने का इरादा नहीं। इनाम मिलेगा चांदी के चंद टुकड़े, जो भी तुम मांगोगे। क्या आप देवपुर की जागीर पिताजी को लौटा देंगे? क्या क्या हमने लौटा दी तुम्हें? तुम भी क्या याद करोगे? हाँ लेकिन ये काम तुम्ही को करना होगा भाई, देने वाले भी तुम और लेने वाले भी तुम, समझ गए ना? और हाँ, आन सिंह का ख्याल रखना।
मैंने तो पहले ही कहा था रत्ना जी, अगर राजकुमारी को लेने राजकुमार जाएंगे तो कीमत ज्यादा हो। कीमत ज्यादा दे देती, तुम काम तो करते। नहीं रत्ना जी नहीं, पहले दाम बाद में काम। और अब भी क्या बिगड़ा है, आप कहे तो राजकुमारी को राजमहल से गायब कर दूं, आप कहे तो युवराज से जबरदस्ती आपकी शादी करवा दूं, लेकिन हर काम की कीमत अलग हो। सैकड़ों का काम सैकड़ों में होगा और लाखों का काम लाखों में होगा। और विक्रम है क्या? जी सेवक प्रणाम करता है। हमने भी कहा लाखों की बातें विक्रम के सिवा और कौन कर सकता है, यहाँ क्यों आए हो? दरअसल बात यह है, बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे, सोचा कि कोई काम मेरे लायक हो तो। ये लो। शुक्रिया युवराज। कीमत तो ले ली, काम नहीं पूछा। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, हुक्म कीजिए। इधर कर रुक, फिर कभी ना करना। जी समझ गए ना, अब तुम जा सकते हो। आप कहते हैं तो चला जाता हूँ। वैसे विक्रम बहुत काम का आदमी है, काम की कीमत लेता है, लेकिन जिससे कीमत लेता है उसका काम जरूर करता है। युवराज आपका एक काम मुझ पर उधार रहा। बटू डटू लाया जी लाया। तैयार है। ये नहीं कौन? गंगा जल जी, शुद्ध गंगा जल। गंगा जल? हाँ। फिर गंगा जल? हाँ। देखा मानसी, जिम्मेदारियों का बोझ पड़ते ही मेरा किरण बिल्कुल बदल गया। आज उसने पी भी नहीं और चुपचाप राजकुमारी को लेने के लिए चला गया। आज मुझे ऐसे लग रहा है कि सुबह का भुला हुआ शाम को वापस घर आया। जी हाँ राजमाता, महसूस तो मुझे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बस अब भगवान के आगे यही प्रार्थना है कि आज की ये वापसी हमेशा कायम रहे, आज के संभले हुए कदम फिर कभी ना डगमगाने पाए। क्यों? तुम्हारा ख्याल है कि? जी नहीं राजमाता, मेरा ख्याल तो कुछ नहीं, तो भी हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, मुमकिन है कि बाद में मायूसी हो, इसलिए हमें किसी भी आखिरी फैसले पर पहुंचने से पहले तेल देखना चाहिए, तेल की धार देखनी चाहिए। समझदार लोग तेल को देखते ही तेल की धार का अंदाजा लगा लेते हैं। मानसिंह देखो मानसी, मेरे बेटे के कदम संभल गए, अब ये कभी नहीं डगमगाएंगे। जी ओ मेरे लाल। मानसी युवराज, कल सुबह दरबारे आम का ऐलान किया जाए, हम खुद लोगों की फरियादें सुनेंगे। जी जी युवराज, बहुत नेक ख्याल है, मैं भी आपसे यही अर्ज करने वाला था। बिल्कुल। और सुनिए, संग्राम सिंह को हमारे हुजूर में पेश किया जाए,
संग्राम सिंह वो तो डाकू है, न जाने कहां होगा। ये हम कुछ नहीं जानते, वो जहां भी हो जिधर भी हो पेश किया जाए। इधर युवराज, शादी होने वाली है। तेरा नाम वीर घटोत कच्छ है तो मेरा भी नाम मच्छिंदर नाथ है, समझा? और मैं इसको पसंद करता हूँ और इसकी शादी मेरे साथ होगी। आजा। अबे जा जा, बड़ा आया शादी करने वाला। तो क्या तू इसके साथ शादी करेगा? नहीं तो क्या तू इससे शादी करेगा? हाँ मैं करूंगा। तू करेगा? नहीं तो क्या तेरा बाप करेगा? अरे कोई है? अरे बुला बुला, किसी को भी बुला। अरे कोई है? कोई है? मेरे बाप, चुप बैठना, चुप मर, चुप मर। सुन, तू इसके साथ शादी करना चाहता है ना? मैं भी करना चाहता हूँ। इसका फैसला भगवान पर छोड़ देते हैं। छोड़ दिया है? वो कैसे? तेरे पास कागज है? ला 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 ला, पेंसिल निकाल, पेंसिल निकाल, पेंसिल निकाल, ले ला। जरा झुक जा। मच्छिंद्रनाथ घटोत्कच, देख ये दो टुकड़े हैं, चम्मू को कहते हैं, इसमें से कोई भी टुकड़ा उठा ले, जिसका नाम निकलेगा उसके साथ चम्मू की शादी हो जाएगी। मंजूर? मंजूर। शाबाश चम्मू, ले उठा उठा। क्या हुआ? क्यों चिट्ठियाँ साथ में रख दे? अच्छा अच्छा, रखता हूँ, ले भाई। चम्मू, घटोत्कच के नाम की चिट्ठी उठाओ। अरे इसमें तो मच्छिंद्र नाथ ही निकला, मेरी तकदीर। चल चम्मू चल, जल्दी चल चल। मच्छिंद्र नाथ, हाँ तेरी किस्मत की ऐसी है चम्मू, अगर ये चिट्ठी उठा लेती तो कितना। इसमें भी मच्छिंद्रनाथ और इसमें भी मच्छिंद्रनाथ, बेटा मुझे बना गया, ये तो पक्का मच्छिंद्रनाथ निकला। चम्मू चम्मू। पद्मा खामोश क्यों बैठी हो? क्यों, क्या हुआ? जब आसमान पर चांद चमक रहा हो और चांदनी रात का सुहाना समा हो ना, तो उस वक्त बोला नहीं करते। ना ना ना, चांदनी रात का सुहाना समा हो तभी तो बोलना चाहिए। नहीं, खामोशी में दिल बात करते हैं। दिलों की बात अगर जुबान पर ना आए तो दिल की दिल ही में रह जाती है। वो क्या? जो तुम मुझसे बुलवाना चाहते हो ना, वो मैं कभी नहीं बोलूंगी। नहीं बोलोगी? नहीं नहीं। बोलो जी बोलो, कुछ बोलो जी बोलो, परवाना तेरी महफिल में आया है, दीवाना तेरी महफिल में आया है। सोचो जी सोचो, कुछ सोचो जी सोचो, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया। Thank you.
कहनी तेरी कम हो न जाए, तेरी बज्म में दिल जलाने को लाए। है तेरी कहानी नवाजिश इनायत करम मेहरबानी। सोचो जी सोचो कुछ सोचो जी सोचो, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया। जलना है ईमान मेरा, मोहब्बत में जलना है ईमान मेरा। मोहब्बत की दुनिया बड़ी बेरहम है, मगर आशिकों पर खुदा का करम है। बोलो जी बोलो कुछ बोलो जी बोलो, परवाना तेरी महफिल में आया है, दीवाना तेरी महफिल में आया है। तो नजर से ही कह दो, जुबान चुप रहे तो नजर से ही कह दो। नजर भी तो मिलके झुकी जा रही है, यहाँ दिल की धड़कन रुकी जा रही है। बोलो जी बोलो कुछ बोलो जी बोलो, परवाना तेरी महफिल में आया है, दीवाना तेरी महफिल में आया है। सोचो जी सोचो कुछ सोचो जी सोचो, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है। सरदार गजब हो गया। क्या हुआ? बादल अजीतगढ़ के राजमहल में गुम हो गया। मगर तुम लोग तो रामगढ़ गए थे ना? गए तो रामगढ़ थे मगर पहुंच गए अजीतगढ़, रास्ता भूल गए। फिर क्या हुआ? रास्ते में किसी राजकुमारी की सवारी जा रही थी, उस पर डाकुओं ने हमला किया। मौका पाकर मैं और बादल उसे बचाने गए, लेकिन बादल की सूरत देख कर ही सब डाकू भाग गए। फिर बादल राजकुमारी के साथ बैठ कर राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। वहाँ उसकी बहुत ही अवभगत हुई, जैसे कोई राजकुमार हो। हे भगवान, फिर क्या हुआ? फिर बादल को सब लोग अंदर ले गए। फिर कुछ नहीं हुआ सरदार, बादल अंदर गया और बाहर नहीं आया। आओ मेरे साथ चलो अजीतगढ़, और शंकर नाके पर पहुंचकर मेरे इशारे का इंतजार करो। आने दो।
गिरफ्तार कर लो इन डाकुओं को। तुमने हमारे सरदार को देखा? कौन सरदार? अरे वो ऊंचा लंबा जैसा। अरे ऊंचा लंबा जैसा, अरे ये तो विराजिए युवराज। नहीं, राज तिलक होने से पहले स्वर्गीय महाराज हमीर सिंह के राज सिंहासन पर युवराज भी नहीं बैठ सकता। युवराज किरण सिंह की जय। युवराज किरण सिंह की जय। हमने आपसे संग्राम सिंह को पेश करने के लिए कहा था ना? संग्राम सिंह हाजिर है, संग्राम सिंह को पेश किया जाए। सरदार, ये तो अपना चुप रहो। चाचा जी, इसे इस तरह क्यों लाया गया है? डाकुओं को ऐसे लाया जाता है युवराज, अपने हक के लिए लड़ने वाले डाकू नहीं होते जी। असल में डाकू संग्राम सिंह नहीं, डाकू आप है युवराज। युवराज भी डाकू है। आज से 10 साल पहले दोनों ने मिलकर संग्राम सिंह के जागीर पर डाका डाला था। इधर आओ संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, 10 साल पहले जो गलत कदम उठाया गया था, आज हम उसे वापस लेते हैं। हम देवपुर की जागीर वापस लौटाकर तुम्हें फिर वहां का जागीरदार मुकर्रर करते हैं। विश्वास रखिए युवराज, आप संग्राम सिंह को अजीतगढ़ के राज परिवार का उतना ही वफादार पाएंगे जितना कि वो पहले था और जितना कि वो हमेशा रहा है। आपने मुझे मेरी जागीर लौटाकर ये साबित कर दिया कि दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन खून और खानदान का असर नहीं बदल सकता। संग्राम सिंह के बंधन खोल दिए जाए। युवराज किरण सिंह की जय। युवराज किरण सिंह की जय। आशिक की सिसकती हुई रूह। ए नामुराद आशिक की सिसकती हुई रूह, तू आज अपनी सिसकियों का ढोंग छोड़ दे और बस जी खोल कर मुस्कुरा। मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से मिलेगा? जरूर मिलेगा, तू एक बार मुस्कुरा कर तो देख। हाय तबस्सुम तेरा, तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में।
हाय तबसुम तेरा, हाय तबसुम तेरा। पलकों की चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना, पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले, छाया गुलाबी अंधेरा, हाय तबसुम तेरा। धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबसुम तेरा, हाय तबसुम तेरा। रोको न अपनी हंसी को, जीने दो बल्ला किसी को, रोको न अपनी हंसी को, तेरी हंसी रुक जो गई, रुक जाएगा सांस मेरा, आए तबसुम तेरा। धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबसुम तेरा, हाय तबसुम तेरा। किरण बेटा, किरण मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ। आज सारे राजमहल में तुम्हारी तारीफ हो रही है। लोग एक ही दिन में ये भूल गए कि तुम शराब के नशे में चूर होकर लड़खड़ाते फिरते थे। आज तुम्हें राज दरबार में देखकर और तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की याद आ गई। मुझे ऐसे लगा। माँ, माँ तुम्हें याद है उस दिन मान सिंह कह रहे थे हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं माँ। घट्टू जी। हुजूर। घट्टू को किस लिए बुलाया? बेटा तुमने तो कहा था ना मैं शराब नहीं पीऊंगा। जी लेकिन ये वो चीज नहीं, पानी, शुद्ध जल। जल अच्छा रख दे यहाँ और तू बाहर जा। हुक्म का गुलाम हुजूर। बेटा मुझे तो अचानक ऐसा लगा जैसे ऊंची पहाड़ पर ले जाकर मुझे इसने नीचे धकेल दिया हो। मैं तो डर गई थी। डर गई थी कहाँ? राजमाता होकर डर गई थी। तुम भी यही हो? शायद हम गलत समय पर आ गए। तुम कौन हो और तुम कौन हो? हम तुम्हारे बेटे हैं माँ, हम तुम्हारे बेटे। नहीं नहीं तुम मेरे बेटे नहीं हो, ये मेरा बेटा है। माँ माँ तुम्हारी ये बात इतिहास के पन्नों पर सुनहरी हरफों से लिखी जाएगी। आज शायद पहली बार एक माँ अपने बेटे को पहचान न सकी। मैं आवारा हूँ, शराबी हूँ, लापरवाह हूँ, जो भी हो तुम्हारा बेटा हूँ। नहीं नहीं युवराज ठीक कहते हैं राजमाता, यही आपके बेटे हैं। तो फिर तू? मैं सरदार संग्राम सिंह का बेटा बादल हूँ। ये मेरा बेटा।
ये संग्राम सिंह का बेटा। कहाँ है संग्राम सिंह? कहाँ है संग्राम सिंह? किसे ढूंढ रहे हो संग्राम सिंह? राज माता, नमस्कार। बहुत बरसों के बाद राजमाता की याद आई। जी, बात दरअसल ये थी कि मुझे मानसिंह पर भरोसा ना था, इसलिए। लेकिन राजमाता पर तो भरोसा था। लेकिन स्वर्गीय महाराज सारा राजकाज मानसिंह के हाथ में सौंप गए थे ना, और युवराज बहुत छोटे थे। तुम्हें याद है संग्राम सिंह, आज से 20 साल पहले युवराज किरण के साथ एक और भी बच्चा पैदा हुआ था, जिसके बारे में कहा गया कि वो मर गया। क्या वो सचमुच मर गया था? आप शक क्यों कर रही हैं? क्यों, मुझे शक होना नहीं चाहिए? जी, बादल कौन है? बादल? बादल मेरा बेटा है। उसकी सूरत किरण से क्यों मिलती है? ये मुझे क्या मालूम, भगवान का चमत्कार है। कहीं इंसान का चमत्कार तो नहीं राजमाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वर्गीय महाराज ने मुझसे मेरे कलेजे के टुकड़े को छीनकर तुम्हें सौंप दिया हो? नहीं राजमाता, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर युवराज के जन्मदिन पर तुम अचानक देवपुर क्यों चले गए, और उस दिन से लेकर आज तक बादल को लेकर यहां क्यों नहीं आए? इसलिए कि बादल की सूरत युवराज किरण से मिलती थी, और मुझे डर था कि कहीं कोई गलतफहमी ना पैदा हो जाए। तुमने युवराज को कब देखा? जी, किरण को बगैर देखे तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि किरण की सूरत बादल से मिलती है? तुम्हारी खामोशी में तुम्हारा जवाब छुपा है संग्राम सिंह, तुम्हारे दिल का चोर तुम्हारी आंखों से झांक रहा है। राजमाता, मैं राजमाता होने के नाते तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि राज परिवार के इस राज को मैं भी उसी तरह छुपाए रखूंगी जिस तरह तुमने आज तक छुपाए रखा है। सिर्फ एक बार कह दो, बादल तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा है। नहीं राजमाता, नहीं। एक बार माँ के कानों में अमृत की 2 बूंदे टपका दो, वो सदा के लिए जी जाएगी, तुम्हारा उपकार जन्म भर नहीं भूलेगी। मुझे अफसोस है राजमाता, युवराज जैसी सूरत देखकर बादल के लिए आपके दिल में मां का प्यार जाग उठा, इसलिए आप उसे अपना बेटा समझ रही, लेकिन असल में वो आपका नहीं, मेरा बेटा है। हाय, ये क्या बादल? हम तुम्हारे बेटे बादल नहीं, युवराज हैं। क्षमा कीजिए युवराज, आप उस तरफ मुंह किए खड़े थे, मैं ये समझा मेरा बेटा बादल खड़ा है। अगर हम तुम्हारी तरफ मुंह करके खड़े होते और तुम्हें ये ना बताते कि हम युवराज हैं तो तुम हमें क्या समझते? जी, एक बात तो बताओ संग्राम सिंह, जब हमने तुम्हें भरे दरबार में देवपुर की जागीर लौटा दी, उस वक्त तुमने हमें क्या समझा था? आप जो हैं, मैंने आपको वही समझा था। गलत, बिल्कुल गलत संग्राम सिंह, वो हम नहीं थे, तुम्हारा बेटा बादल था। जी, वो मेरा बेटा बादल था? तभी तो संग्राम सिंह, तभी तो। हमारी माँ हमें पहचान ना सकी, तुम अपने बेटे को नहीं पहचान सके, तो फिर कौन पहचानेगा संग्राम सिंह, कौन पहचानेगा हमें? इसीलिए युवराज, मैं बादल को लेकर फौरन देवपुर चला जाना चाहता हूँ। तुमने उसे यहाँ आने ही क्यों दिया? वो खुद ही यहाँ चला आया, भगवान जानता है मैंने कभी उसे इधर का रुख करने नहीं दिया। तो भी वो यहाँ आ गया, और फिर भी आ सकता है,
इसलिए संग्राम सिंह अब वो यहां से नहीं जा सकता। बादल आपके पास है? वो जब से यहां आया है हमारे ही पास है। लड़का अच्छा है, वैसे हम उससे नाराज नहीं, खुश हैं, बहुत ही खुश है। गुस्ताखी माफ युवराज, मैं अपने बेटे को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। हमें जो कहना था हमने कह दिया। तुम्हारा बेटा बादल तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। मुझे भी जो कुछ कहना था मैंने कह दिया युवराज, मैं बादल के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बगावत, बगावत। युवराज आप लाख कोशिश करें, खून और खानदान का असर कभी नहीं मिट सकता। आपने इनको जागीर वापस कर दी और ये सर झुकाने की बजाय हाथ में तलवार लिए खड़े हैं। आखिर औलाद डाकू ही की है ना मान सिंह? हमें ये बहस नहीं चाहिए। मान सिंह गिरफ्तार कर लो इसे। संग्राम सिंह को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैंने जो कुछ कहा है मैं उसे करके दिखाऊंगा, समझे? आया हुजूर। भाइयों पकड़ लो इन बदमाश बागियों को। संग्राम सिंह, डाकू के लिए दो ही जगह होती हैं, जंगल या कैदखाना। आधी से ज्यादा तो तुम जंगल में काट ही चुके हो, अब जो बाकी आधी है उसे जेलखाने में गुजार दो। हिजान को मान सिंह। युवराज कैदी हाजिर है। कैदी? कैदी क्यों? हम तो संग्राम सिंह के खिलाफ सारे इल्जाम वापस ले चुके हैं। जी लेकिन मालूम होता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है मान सिंह। छोड़ दो इन्हें और तुम लोग जाओ यहां से। लेकिन युवराज अभी अभी तो आपने संग्राम सिंह की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। दिया होगा, हम अपना वो हुक्म भी वापस लेते हैं। जी देखो मान सिंह, नशे में अगर हम कोई गलत बात कह जाए तो उसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। जी जी आओ संग्राम सिंह। अब रोको, बड़े आए संग्राम सिंह को गिरफ्तार करने वाले। क्यों मान सिंह? संग्राम सिंह गिरफ्तार हो गए हैं? हमारी तरफ घूर घूर के क्या देख रहे हो? हमारी बात का जवाब दो, संग्राम सिंह गिरफ्तार हुआ या नहीं? जी वो बचकर चला गया, मगर अब मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। सिपाहियों
मान सिंह। संग्राम सिंह, मान सिंह लड़ने नहीं, एक प्रार्थना करने आया है। फरमाइए। राज माता की तबीयत बहुत खराब है, आखिरी वक्त वो अपने बेटे का मुंह देखना चाहती हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि युवराज ने उनके पास आने से इनकार कर दिया है। सुनकर दुख हुआ मान सिंह, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? तुम्हारे बेटे की सूरत युवराज से मिलती है, अगर तुम्हारा बादल थोड़ी देर के लिए राजमाता के पास पहुंच जाए तो मुमकिन है उनकी जिंदगी का बुझता हुआ चिराग फिर से रोशन हो जाए। नहीं मान सिंह, मैं बादल को लेकर कहीं दूर जा रहा हूं। राजमाता की जिंदगी का सवाल था, चला आया। मुझे उम्मीद न थी कि तुम इनकार कर दोगे। मुझे अफसोस है मान सिंह, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं। संग्राम सिंह, आज अजीतगढ़ अपनी झोली फैलाए तुमसे अपनी राजमाता की भीख मांगता है। निराश ना करो, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। उठिए मान सिंह, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। बादल। पिताजी, ये तो राजमाता का सवाल है। किसी भी मां की जिंदगी अगर सिर्फ मेरे वहां पहुंच जाने से बच सकती हो तो मैं अपनी जान हथेली पे रखकर भी वहां पहुंचूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा, आपने भी किस आदमी के साथ बादल को अकेले भेज दिया? और अगर भेजना ही था तो कम से कम आप ही साथ चले जाते। माची, शायद तुम ठीक कहते हो, आओ मेरे साथ। चलो। ये आप मुझे कहां ले आए? घबराओ नहीं बादल, युवराज की नजरों से बचाकर तुम्हें राज माता तक पहुंचाना है। लो ये निकाब पहन लो, इसलिए ताकि कोई गलतफहमी ना हो। पहन लो। बहुत अच्छा, आओ। गिरफ्तार कर लो इसे। ले जाओ इसे और तहखाने में डाल दो। जी सरकार। ले जाओ। और सुनो। जी सरकार। उसके चेहरे से नकाब नहीं हटाना। नहीं हटाऊंगा। किसी को हमारे सिवाय उसके पास अंदर नहीं आने देना। नहीं आने दूँ। आप बेफिक्र रहिए सरकार। मान सिंह के तहखाने में। क्यों विक्रम, क्या हुआ? बंदा संग्राम सिंह को उठा लाया और तहखाने में पहुंचा दिया। शाबाश। लेकिन वो नकाबपोश तहखाने में कौन है? वही तो है जिसके जरिए हम हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। जी? तुम नहीं समझोगे। खैर, युवराज की ताजपोशी से एक दिन पहले हमसे फिर मिलना। अब जाओ। बहुत अच्छे। हाँ
संग्राम सिंह, तुम्हारे साथ हमारा कोई बैर नहीं, सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब पाने के लिए तुम्हें यहां बुलाया गया है। क्या है वो सवाल? बादल असल में कौन है? बादल? बादल मेरा बेटा है। ये कद, ये उम्र और ये शक्ल सब मिलकर तुम्हारे झूठ पर पर्दा डालने से इनकार कर रहे हैं। संग्राम सिंह, हम फिर कहते हैं, साफ साफ बताओ बादल कौन है? मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। मान सिंह, तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी जिस्म के हर टुकड़े से, खून की हर बूंद से यही आवाज आएगी, बादल मेरा बेटा है। अगर हम तुम्हारे जिस्म की बजाय बादल के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें तो फिर क्या आवाज आएगी? तो भी यही आवाज आएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मान सिंह, बेटे का खून बाप से जुदा होता है? बेटे का खून बाप से जुदा नहीं होता, लेकिन पहले ये तो मालूम हो कि बेटा कौन है और बाप कौन है। गूंगा, इस गुस्ताख को इतने घोड़े लगाओ कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। जो कुछ मैंने देखा वो यकीन करने के काबिल नहीं है। क्या देखा बेटी तुमने? बिल्कुल युवराज की शक्ल का एक और नौजवान। वो बादल है। कहाँ देखा उसे तुमने? नीचे तहखाने में, आपके सरदार संग्राम सिंह और वो बादल दोनों वहां कैद हैं। किसने उन्हें कैद किया? मान सिंह ने। संग्राम सिंह बादल को अपना बेटा कह रहा है और मान सिंह बादल पर अत्याचार करके संग्राम सिंह से बादल की असलियत जानना चाहता है। माता जी, अगर फौरन बादल को न छुड़ाया गया तो मुमकिन है ये मान सिंह उसे बेटे ऐसा मत कर। बादल भी मेरा ही बेटा है। माता जी, किरण कहा है, मैं उसे अभी असलियत बताना चाहती हूँ। किरण, तू है वो बादल था। बादल हमारा भाई। माँ, बीमारी ने कहीं तुम्हें पागल तो नहीं बना गया? मुझे यकीन है बादल मेरा बेटा है। संग्राम सिंह चाहे अपने मुंह से कुछ भी कहे, लेकिन मुझे विश्वास है बादल तेरा भाई है। तुम दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसे संग्राम सिंह को सौंपकर देवपुर भेज दिया था। माँ, ये सुनकर हमें इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि हम बयान नहीं कर सकते। मुझे यही उम्मीद थी, आखिर तुम दोनों के रक्त में एक ही खून है ना। मत दूंगा, जाओ। बदनु सिंह, क्यों देख लिया? बेटे के खून से बाप का खून कितना जुदा होता है। मान सिंह, संग्राम, अगर बादल तुम्हारा बेटा होता तो तुम अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने यूं दम तोड़ते हुए ना देखते। इसलिए बादल तुम्हारा बेटा नहीं है। बताओ बादल किसका बेटा है? बादल मेरा बेटा है मान सिंह। राजमाता, अगर हिम्मत है तो झूठ बोलकर इनकार करो संग्राम सिंह, वरना सर झुकाकर इस सच्चाई को कबूल करो कि बादल उसी तरह मेरा बेटा है जिस तरह किरण। आप
मेरी माँ? हाँ बेटा, मैं ही तेरी अबागन माँ हूँ। तू बहुत दिनों मुझसे दूर रहा, अब मैं तुझे अपने आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। मान सिंह, मेरे बेटे के बंधन खोल दो। क्षमा कीजिए राजमाता, अगर ये संग्राम सिंह का बेटा होता तो शायद बच भी सकता, क्योंकि ये आपका बेटा है, इसलिए अब इसका बचना नामुमकिन है। तुम क्या, तुम मेरे बेटे की हत्या करोगे? राज धर्म निभाना अंगारों पर चलने के समान है राजमाता। मान सिंह, मैं राजमाता हूँ। मैं राज का मुहाफिज हूँ। माँ से उसके कलेजे का टुकड़ा जुदा मत करो मान सिंह। तुम कहोगे तो मैं इसे हमेशा के लिए कहीं दूर भेज दूंगी, तुम कहोगे तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। मैं और मेरा बादल तुम्हारे राजकाज से कोई सरोकार नहीं रखेंगे। मैं मजबूर हूँ राजमाता। माँ, मेरी जिंदगी के लिए अपने आप को छोटा मत करो। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। जिस शान से आज तक मैं सर ऊंचा करके जिया हूँ, उसी शान से मरना भी चाहता हूँ। शाबाश, ये आवाज हमें पसंद है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमारे भाई हो, और क्योंकि तुम हमारे भाई हो, तुम्हें जिंदा रखना भी मुश्किल है और मारना भी। युवराज, कोई भी फैसला करने से पहले इस बात को मत भूलिएगा। तुम बेफिक्र रहो मान सिंह, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि इसकी जिंदगी का मतलब हमारी मौत, और इसकी मौत का मतलब है हमारी जिंदगी। किरण, अगर तुम भी यही चाहते हो तो तुम भी ये मत भूलना कि हत्या केवल भाई की नहीं माँ की भी होगी। बादल के साथ साथ आज तुम्हें अपनी माँ को भी खत्म करना होगा। नहीं माँ, हम इतने बुरे नहीं। तुम यही चाहती हो ना कि बादल जिंदा रहे? हाँ बेटा, बस यही चाहती हूँ। और हम ये चाहते हैं कि ये जिंदा ना रहे। किरण, क्योंकि हमें इससे खतरा है, और सच पूछो तो हमें इससे भी खतरा नहीं। हमें खतरा है सिर्फ इसकी इस सूरत। अगर ये हमारा हमशक्ल न होता तो भले ही हमारा भाई होता, किसी को मालूम भी न होता कौन बादल कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ और कब मर गया। बस सारा झगड़ा इस सूरत ने पैदा किया, इसलिए सूरत को दुनिया की नजरों से ओझल करना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ज्यादा बुरा नहीं है माँ, आंखें तुम्हारी दोनों सलामत रहेगी, लेकिन नजर सिर्फ एक आएगी, सिर्फ एक। किरण! नहीं, 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 नहीं। अजीतगढ़ के राय सिंहासन की तकदीर, इसे हमारे ही पास रहना चाहिए। बाबा, खिड़कू का बच्चा आ रहा है, जा जल्दी से छुप जा और तमाशा दे। बाबा, बच्चा, मेरे साथ एक बड़ा धोखा हुआ। एक छल छबीली नारी जिम्मो प्यारी मेरे मन मंदिर में पधारी, किंतु बीच में माछी नाम का एक जंतु आ गया। बाबा, आपको कैसे मालूम हुआ? बैरागी बाबा घटघट की जानते हैं। सुन बच्चा, बाबा तुझसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ है, और वही पाप तेरे दुख का कारण है। नहीं बाबा नहीं, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, और बाबा आजकल तो पुण्य कर रहा हूँ, एक कैदी को खाना खिला रहा हूँ। कैदी? हाँ। कौन कैदी? वो तो नहीं मालूम,
लेकिन उसके मुंह पर लोहे का टोपा है और उसकी चाबी युवराज के गले में है। बस यही तुम्हारा एक बहुत बड़ा पाप है। असल में वो कैदी युवराज है। युवराज? लेकिन युवराज वो युवराज नहीं, युवराज के रूप में बहुत बड़ा जादूगर है जिसने तुम्हारे युवराज को लोहे का टोपा पिलाकर कैद में डाल दिया है और खुद राजमहल में बैठा हुआ है। बाबा ये कैसा गोरख धंधा? अगर तुम इस गोरख धंधे के फंदे से बचना चाहते हो तो अपने युवराज को छुड़ाओ। युवराज को छुड़ाओ? हाँ युवराज को छुड़ाओ। आज रात को युवराज के रूप वाले जादूगर को खूब पिला दो और रत्ना को उससे दूर रखो। हम भी वहाँ रात को वहाँ पहुँचेंगे। इस काम में राजकुमारी भी तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा बाबा बाबा लेकिन बस समझ गया तुम। हाँ बाबा आप तो अंतर्ज्ञानी है। मिल जाएगी मिल जाएगी। बस बाबा बस 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 बाबा बस। राजकुमारी जी अब सिर्फ युवराज के गले में से लोहे के नकाब की चाबी निकालना है। वो मैं करूंगी। आप शुरू तो कीजिए ना। लीजिए नहीं, जब तक रत्ना नहीं पिलाएगी हम नहीं पिएंगे। पद्मा पिलाए तो? हाँ पद्मा पद्मा पिलाए तो? नहीं तो भी हम नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि पद्मा एक राजकुमारी है, वो गा नहीं सकेगी, नाच नहीं सकेगी, हमें ले जा नहीं सकेगी। नहीं 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 पद्मा हमारी साकी नहीं बन सकती। अगर पद्मा गाए नाचे आपको रिझाए तो फिर हम उसके साकी बनेंगे। Thank you.
घबराइए नहीं युवराज। युवराज? आप तो सिर्फ सुनते जाइए, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। बच्चा महाराज, अब तो युवराज को देखकर तुम्हें यकीन आ गया? मुझे क्षमा कर दो युवराज, अनजाने में उस बदमाश जादूगर को मैं युवराज समझता रहा। क्षमा कर दिया युवराज ने तुम्हें, क्षमा कर दिया। बच्चा तुम कहाँ चले, तुमको तो अभी ये टोपा पहनना है। टोपा पहनना है? हाँ? मुझे क्यों पहनना? नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं। युवराज पहनता मुझे। मैं तो हुकुम का गुलाम हूं ना। देखो बच्चा, अब युवराज जाकर उस जादूगर की खबर लेंगे, और कहीं वो जादूगर यहाँ आ गया तो। है महाराज, जादूगर यहाँ आएगा, लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे, क्योंकि दोनों की शक्ल सूरत तो एक ही है। बच्चा तुम उससे कहना, कमरे में कमरा, कमरे में पिंजरा, पिंजरे में पंछी बोले। क्या बोले? अगर वो बोले कू कू तो समझ लेना कि वो युवराज है, और कहीं वो उल्टा सीधा बोले तो समझ लेना कि वो जादूगर है। समझ गया महाराज, समझ गया। संग्राम सिंह कहाँ कैद है? संग्राम सिंह तहखाने में बंद है हुजूर। हमें वहां ले चलो। चलिए सरकार, चलिए। आइए सरकार, आइए। तुम यहीं ठहरो। मैं ठीक है सरकार। तुम यहां कैसे पहुंचे? राजकुमारी पद्मा की मदद से। मेरे पास क्यों आए?
आपको लेने के लिए आया हूं। आपका हुक्म हो तो वापस कैदखाने में चला जाऊं। मेरे साथ कहीं दूर चलोगे? पिताजी, मैं आपके चरण छूकर प्रतिज्ञा करता हूं, आपकी आज्ञा कभी नहीं टालूंगा। राज परिवार और राज सिंहासन से कोई संबंध नहीं रखूंगा। आज के बाद अजीतगढ़ का रुख कभी नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, चलो। गुस्ताखी माफ़ सरकार, मेरा मतलब है कि क्या आप इन्हें क्या कहा जी? बड़े सरकार का हुक्म है कि उनकी इजाजत के बगैर कोई। हम यहाँ के सरकार हैं। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। विक्रम, कल युवराज का राज तिलक, आपने मुझे पहले मिलने के लिए कहा था ना, फरमाइए आज किसको उठाकर लाना? लाना नहीं, ले जाना है। किसको? युवराज को। दाम भारी? दाम मिलेंगे तो ठीक है, लेकिन आपको क्या फायदा होगा? युवराज की बजाय राज तिलक हमारा होगा। वो कैसे? हमने दरबार के तमाम आदमी को खरीद लिया है। कल सुबह जब युवराज दरबार में नहीं जाएंगे तो तमाम दरबारी हमें राज सिंहासन पर बैठने पर मजबूर करेंगे और आप अजीतगढ़ के महाराज बन जाएंगे। विक्रम, देवपुर का जागीरदार तो मंजूर, तख्त ताज मुबारक हो। गुस्ताखी माफ युवराज। सरदार, सरदार, जल्दी यहां से भागने की तैयारी कीजिए। पूछे क्यों? पूछने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है आज युवराज किरण सिंह का राज तिलक है। यही तो गड़बड़ है सरदार, युवराज किरण सिंह का राज तिलक नहीं बल्कि मान सिंह का है। क्या बकता है? सच बकता हूँ सरदार, युवराज किरण सिंह को मान सिंह ने कहीं गायब कर दिया और खुद राज सिंहासन पर बैठकर अजीतगढ़ का महाराज बनने वाला है। ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बादल, ये बिदारी एक काम है, करोगे? आपका शक क्यों हुआ? तुम्हें अजीतगढ़ जाना है ठीक, और अपने आप को युवराज किरण सिंह जाहिर करके राज सिंहासन पर बैठना है। पिताजी, और फिर जैसे ही तुम्हें युवराज किरण सिंह मिल जाए उनका राज सिंहासन उन्हें वापस करके। हम दोनों ने एक ही पिता के घर एक ही साथ जन्म लिया, हम दोनों की एक सी सूरत, हम दोनों की रगों में एक ही खून, फिर सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही क्यों हैं? क्यों मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है? बादल, उसे राज सिंहासन मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली, खैर मुझे कोई शिकायत नहीं। मैंने उसके लिए अपने अरमानों की चिता जला दी, उसके खातिर मैंने उस राजकुमारी को जो मुझसे प्यार करती थी उसी के राजमहल में सौंप कर यहां वापस चला आया, और अब आप चाहते मैं वहां फिर चला जाऊं? दो दिन के लिए महाराज बनकर राजमाता को धोखा दूं, कतना के साथ प्यार का नाटक करूं, राजकुमारी की आंखों में धूल झोंकूं, सारी रिया को बेवकूफ बनाऊं, और फिर जब युवराज किरण सिंह मिल जाए तो उनका राजपाट उन्हें सौंप कर यहां चला। नहीं पिताजी, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। भगवान के लिए मुझे इस अग्नि परीक्षा में मत डालिए। बेटा, तू सोना है और इस अग्नि परीक्षा से कुंदन बनकर निकलेगा। वह सोना नहीं, आड़ मास का बना इंसान हूं, फिर भी अगर आप मुझे जलाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात याद रखिए, आज के बाद मुझ पर न हमीर सिंह का कोई बंधन रहेगा न संग्राम सिंह का, क्योंकि दोनों मुझे त्याग चुके हैं। माची, सदा तुम भी अजीतगढ़ जाओ, देखो बादल गुस्से में है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। बहुत अच्छा सरदार, जाओ।
राज तिलक का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, लेकिन युवराज का अभी तक कोई पता नहीं। आश्चर्य, महाराज होने के बाद भी अगर उनके यही रंग ढंग रहे तो फिर ये राजकाज कैसे चलेगा? क्षमा कीजिएगा, आज राज तिलक नहीं टल सकता। अगर युवराज नहीं पहुंचे तो उनके स्थान पर आपको राज सिंहासन पर बैठना पड़ेगा। हमें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज फौरन दरबार में पहुंचिए। यह मानसिंह आपसे गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर खुद महाराज बनने की कोशिश में है। अब देर मत कीजिएगा महाराज। ये सिंहासन स्वर्गीय महाराज हमीर सिंह की अमानत है। उनकी संतान के होते हुए हम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। आप ही को बैठना पड़ेगा। खैर, अगर आप सबकी यही राय है तो फिर हमें स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं। वादा किया था कि आप मुझे महारानी बनाकर अपने साथ राज सिंहासन पर बिठाएंगे। भगवान शंकर सबका कल्याण करे। महाराज मानसिंगे। हम आ गए। राज मुकुट का ये बोझ अब हमें ही उठाने दीजिए चाचा जी। पुरोहित जी, किरण सिंह नहीं, फादर है, फादर।
तुम्हें इतना बड़ा मुआवजा इस बात का दिया था कि तुम राजमहल से युवराज को गायब कर दोगे ताकि ताजपोशी हमारी हो। हमें यकीन था कि तुम इस काम को जरूर पूरा कर सकोगे। विक्रम जिस काम की जिम्मेदारी लेता है उसे पूरा भी जरूर करता है। तो फिर ये क्या हुआ? ये क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन विक्रम की चुंकिल में फंसा हुआ शिकार तब तक नहीं निकल सकता जब तक वो खुद उसे न छोड़ते। युवराज अभी उसी किले में बंद होने चाहिए जहां के मैंने उन्हें नजरबंद किया था। क्या बकते हो? मैंने जो कुछ कहा है उसे साबित कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो खुद चलकर देख सकते हैं, वरना मैं युवराज को आपके सामने लाकर खड़ा करता हूं। तो फिर ये कौन था? बादल? दरवाजा खोलो, सरदार आ रहा है। मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? हम जानते हैं कि विक्रम के सिवा ये काम ना कोई करता है और ना किसी में करने की जरूरत हो सकती है। विक्रम आपकी नजरों की दाद देता है युवराज। ठहरो विक्रम, सिर्फ दो चीजों का इंतजाम करवा दो, पीने का और पिलाने वाले का। पीने की चीज तो अभी बेचता हूं, रहा पिलाने वाली का सवाल, रत्ना का इंतजार करना पड़े। अरे ये लो, जाओ और जाकर कैदी को दे दो। लो। युवराज। सत्या, तुम? युवराज, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन था जिसका राज तिलक हो गया? क्या? राज तिलक हो गया? कैसे हुआ? वो तहखाने से बाहर कैसे निकला? वो लोहे का नकाब किसने निकाला? जी? तुम नहीं समझोगे। रत्ना, हमारा फौरन राजमहल पहुंच जाना नहायत ही जरूरी है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सिर्फ मैं आपके साथ नहीं जा सकूंगी। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि विक्रम मुझे। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम विक्रम को अच्छी तरह जानते हैं। वो तुम्हें दाव पर रखकर यही कहेगा कि अगर रत्ना चाहिए तो मुझे माफ कर दो, और हम उसे माफ कर देंगे। अगर यहां का कोई भी आदमी युवराज को रोकने की कोशिश करेगा तो मुझे अपनी हार का इतना अफसोस नहीं रहा।
आप कहाँ चले गए थे? सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी पता चल जाता है। कमरे में कमरा, कमरे में पिंजरा, पिंजरे में पंछी बोले। क्या बोले, क्या बोले बता। मेरा सर, मेरा सर, अभी बताता हूं। जादूगर के बच्चे युवराज बन के मुझे बनाने आया था। जानता नहीं मैं कौन, वीर घटोत्कच। बच्चों, मैं युवराज का खास आदमी हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? बोलना चाहिए था, पिंजरे में पंछी क्या बोले। महाराज, महाराज, कैद खाने में वो आया था। कौन? वही बदमाश जादूगर। आके उसने मेरे सर से टोपा उतारा। मैंने उसको पूछा कि कमरे में कमरा, कमरे में पिंजरा, पिंजरे में पंछी बोले। क्या बोले? तो उससे क्या कहा मालूम है? उसने कहा तेरा सर। मैंने टोपा उसके सर पे दे मारा और वही टोपा उसके सर पे पहना कर हुजूर मैं यहाँ चला आया। तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब सुनो, तुम जाओ और मानसिंह से कहो कि कल सुबह नगर चौक में सबके सामने उस टोपे वाले कैदी को तोप से उड़ा देने का ऐलान कर दिया जाए। यह हमारा हुक्म है। जाओ। बादल, बादल? कौन बादल? आप बादल हैं या किरण? हम यहाँ के महाराज हैं। क्या सिर्फ इतना बता देना काफी नहीं? कमाल है। ये बादल नहीं माची, किरण है। नहीं राजकुमारी जी, ये बादल ही है, लेकिन बदल गया है। ये किरण को खत्म करके खुद महाराज बनना चाहता है। अब क्या होगा? मैं सरदार को अभी खबर के देता हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ सरदार। राज सिंहासन पर बैठकर बादल का सर फिर गया है। यह तो उसका सर ठिकाने पर आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो मैं उसका सर उड़ा दूंगा। महाराज, इसे तोप से उड़ाने से पहले ये बताना लाजमी है कि ये कौन है और इसका जुर्म क्या है। ये एक बागी है। इसने हुकूमत के खिलाफ साजिश की है। इसने जबरदस्ती तख्त और ताज पर कब्जा करने की कोशिश की। ये बिल्कुल गलत है। असल में ये मानसिंह। Thank you.
बताया था कि मेरी दोनों आंखें सलामत रहेंगी। हट जाओ माँ। आज मैं नहीं हटूंगी, आज मैं सारी दुनिया को पुकार पुकार कर कहूंगी, दो गज जमीन और चांदी के चंद टुकड़ों के लिए एक भाई अपने भाई को खत्म करने पर तुला है। कौन भाई, किसका भाई? इस बात का फैसला मैं अभी करती हूँ। ये जादूगर राजमाता को भी बना गया। ठहरो किरण, आगे मत बढ़ो। किरण वो नहीं, किरण मैं हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। किरण हम, किरण आप हैं या आप, लेकिन राज का अधिकारी सिर्फ एक ही हो सकता है, दो नहीं। सच्चे राजपूतों की तरह तलवारें हाथ में लेकर मैदान में उतर आओ और सच झूठ का फैसला करो। आपने बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी। नहीं बादल, नहीं बेटा, नहीं। राजमाता, बादल नहीं, ये है बादल। मैं बताता हूं कौन है बादल। तुम हो मेरे बेटे बादल। ये निशान, ये निशान शाही निशान है और इस बात का सबूत है कि मैं तुम्हारा नहीं महाराज हमीर सिंह का बेटा। इससे कुछ नहीं होता, स्वर्गीय महाराज हमें युवराज बना गए थे, लेकिन राज तिलक हमारा हुआ है, ताज हमारे सर पर रखा गया है। आप दोनों ना तलवार से फैसला करना चाहते हैं ना प्यार से, इसलिए जब तक इस बात का फैसला ना हो जाए कि आप दोनों में से राज का अधिकारी कौन है, हुकूमत की बागडोर हमारे हाथ में रहेगी, हमारे हाथ में रहेगी। नहीं, ये नामुमकिन है। ये आवाज किसकी है, किरण की या बादल की? ये हम दोनों की आवाज है मानसिंह। ये सारे अजीतगढ़ की आवाज है मानसिंह। और मेरी भी। हमारी लड़ाई दो भाइयों की आपस की लड़ाई है, लेकिन किसी तीसरे के मुकाबले में हम दोनों भाई एक हैं। लेकिन मान सिंह एक नहीं है, सारी फौज उसके साथ है। गिरफ्तार कर लो इन बागियों को। सर हथेलियों पे है मौत की उमंग है, एक जा वतन पे हम जंग है, ये जंग है। उसका खून है, खून में जो तर हुआ है, उसी की जिंदगी मर के जो अमर हुआ।
जिंदगी मौत का होगा आज फैसला है वतन जिंदाबाद जिंदाबाद। मैदान मार ही लिया। शाबाश। ले जाओ मैंने। उधर कहां जा रहे हो किरण? ये जगह हमारी है और तुम हमारे कैदी हो। बादल, मैंने तुमसे वचन लिया था कि किरण सिंह के मिलते ही तुम सिंहासन छोड़ दोगे। मैंने पहले ही कह दिया था, अब बादल पर किसी किस्म का बंधन नहीं रहा। बादल आज अजीतगढ़ का महाराज है और अजीतगढ़ के दूसरे अधिकारी से किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए वो ये अच्छी तरह जानता है। क्या करना चाहते हो तुम? हम जो करना चाहते हैं उसमें किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं कर सकते। बादल, चाहे वो संग्राम सिंह हो। बेटा, बादल। चाहे वो माँ हो या कोई और, आज हम अपने रास्ते की हर रुकावट दूर कर देना चाहते हैं। ये बादल बोल रहा है, ये अजीतगढ़ के महाराज बोल रहे हैं। उस माँ के बारे में जिसने उसे जन्म दिया, उस संग्राम सिंह के बारे में जिसने उसे बेटे की तरह पाला। महाराज होने के बाद सब रिश्ते टूट जाते हैं, सिर्फ एक सिंहासन का रिश्ता कायम रहता है। बादल, जब तुम युवराज थे तब तुमने अपने भाई से क्या बर्ताव किया था? जब तुम्हारी मां ने झोली फैलाकर वो सब बातें मत दोहराओ बादल। आज तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आईने में अपनी तस्वीर देख रहा हूं। अपनी गिरावट की इंतहा, खुद कर्ज और लालची किरण, इसके सर पर ताकत और हुकूमत का नशा सवार था और वही ताकत और हुकूमत का नशा आज। नहीं बादल, नहीं, मुझे वो ताज और तख्त नहीं चाहिए जिसे पाकर मेरा देवता समान भाई राक्षस बन गया। अगर तुम्हें सिंहासन चाहिए तो ले लो, लेकिन भगवान के लिए फिर वही बादल बन जाओ। मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। ठहरो किरण, तुम्हारी तरफ से ताज और तख्त को जो खतरा है वो सिर्फ तुम्हारे चले जाने से दूर नहीं होता। अब और क्या चाहते हो? हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी की तलवार हमारी गर्दन पर हमेशा लटकती रहे। ठीक है, अगर मेरे मरने से मेरे भाई को सुख और शांति मिलती है तो मैं तैयार हूं, लेकिन बादल, मैं तुम्हारे हाथों मरना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग तुम्हें अपने भाई का हत्यारा कहें। बादल, तुम बादल बनकर जिंदा रहो और किरण को उसके गुनाहों की सजा भुगतते लो। अब इसकी जरूरत नहीं, जिस किरण को मरना चाहिए था वो अब मर गया। बादल, पिताजी, जिस किरण को आपने राज सिंहासन सौंपने के लिए कहा था वो किरण मुझे आज मिल गया। भैया, भागे कमीने।
मिल लो, दी भर के मिल लो, लेकिन ये तुम दोनों भाइयों की आखिरी मुलाकात है। खबरदार, अगर तुम में से कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो मैं सबको फना कर डालूंगा। युवराज, आपका एक काम मुझ पर उधार था, आज वो पूरा हो गया। Thank you.